नमस्कार, स्वागत है आपका ईटीवी के खास कार्यक्रम आमने सामने में। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के उद्योग और खनन मंत्री राजन शुक्ल साहब, उनसे बात करेंगे। शुक्ल साहब, स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। सबसे पहला सवाल ये कि बहुत सारे एमओयू आपने किए अभी तक, कितना धरातल पर आ पाया है, आपका इन्वेस्टमेंट कितना आया? देखिए, जैसा आपको मालूम है कि लगभग 5.5 लाख करोड़ के एमओयू जीआईएस 2016 में इंदौर में हुए थे। एमओयू उसको नहीं कहना चाहिए, इंटेंशन टू इन्वेस्ट हुआ था जी, क्योंकि ऐसी अरेंजमेंट किए गए थे कि लोग ट्राइफेक के वेबसाइट में सीधे इंटेंशन टू इन्वेस्ट रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने टाइमलाइन तय की कि जिस डिपार्टमेंट से संबंधित इंटेंशन टू इन्वेस्ट लोगों ने रजिस्टर किया है, उस विभाग के रिलेशनशिप मैनेजर की नियुक्ति की जाएगी, उन लोगों को धन्यवाद भेजा जाएगा और उनसे आगे के उनकी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करके और उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, जिससे सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उनको सुविधा मिल सके और तेज़ी से उनके ज़मीन का आवंटन और बिजली का कनेक्शन से लेकर तमाम तरह के मदद जो हमारे पॉलिसी में है वो उनको उपलब्ध कराई जा सके। तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो अभी तक का रिस्पांस अच्छा है, लेकिन इसमें लगातार फॉलोअप की ज़रूरत होती है। अभी यदि आप देखें, यदि आप इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो होशंगाबाद के मोहासा में अभी हमने एक भूमि पूजन किया है 700 करोड़ के प्रोजेक्ट का, कोका कोला के द्वारा जो आना है। इसके साथ ही एक वैकमेट करके है 1500 करोड़ का, उनकी उज्जैनी धार जिले में उनका प्लांट बहुत तेज़ी से आ रहा है। तो इस प्रकार से कई यूनिट्स हैं। 13 साल आपकी सरकार की हो गए, कई बार आपने जीआईएस की भी और भी इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए फॉरेन में भी जाके आपने शोज किए, उस तुलना में आया निवेश इतना? बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि यदि सिर्फ आप पिछले वर्ष और इस वर्ष की तुलना करें तो लगभग 150 हेक्टेयर ज़मीन इंडस्ट्रीज़ को अलाटमेंट हमने किया था 2015-16 में, और 16-17 में यदि आप देखेंगे तो 300 हेक्टेयर ज़मीन हमने अलॉट किया है। इसका मतलब कि तेज़ी से लोग आ रहे हैं, उनको ज़मीन का अलॉटमेंट होना इस बात का प्रमाण है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यदि आप देखें 150 हेक्टेयर और 300 हेक्टेयर, तो उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि प्रोग्रेस जो है हमारी संतोषजनक है। लेकिन कई जगह ज़मीन का अलॉटमेंट हो जाना, लोग ज़मीन ज़रूर ले ले रहे हैं, प्लांट शुरू नहीं किया या उसके और कोई दूसरे यूज़ पे लोग विचार कर रहे हैं, कई जगह आपने नोटिस भी दिए उनकी ज़मीन वापस लेने के? हाँ, वो तो एक रूटीन प्रक्रिया है कि यदि किसी ने ज़मीन किसी पर्पज़ के लिए ली है और यदि उन्होंने एक, जब भी हम अलॉटमेंट करते हैं तो एक समय सीमा तय करते हैं कि इस समय सीमा के अंदर आपको अपना काम स्टार्ट करना है और इस समय सीमा में उस काम को पूरा करना है। जो कंसेशनल रेट में हम लैंड देते हैं, वो यदि उस समय सीमा में उन्होंने उस काम को पूरा कर दिया तब तो कंसेशन उनको मिलता है, और यदि उस समय सीमा के अंदर अपना प्रोडक्शन शुरू नहीं कर पाए तो फिर फुल चार्ज लगता है, सारे कंसेशन समाप्त हो जाते हैं और हैवी पेनाल्टी उन लोगों को लगती है। तो जो लोग भी लैंड अलॉट करते हैं उनके साथ रिस्क जुड़ा रहता है कि यदि उन्होंने इंडस्ट्री नहीं लगाई तो बाद में हैवी पेनाल्टी का शिकार उनको होना पड़ेगा। कल कुछ कंपनियां वापस भी हो गई, अभी रियो टिंटो ने भी विड्रॉ कर लिया, आपको गिफ्ट कर दिया अपना पूरा वो जो भी सेटअप है, वो कह रहे हैं वापस जा रहे हैं, तो क्या सरकार के साथ उनका गड़बड़ा गया? नहीं, उसमें उनके चूंकि मल्टीनेशनल कंपनी है और पूरे दुनिया में उनका काम चलता है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इंटरनल जो थी उस पर फर्दर इन्वेस्टमेंट करने की स्थिति में वो कंपनी शायद नहीं थी, इसलिए ये सरकार के असहयोग के कारण नहीं, क्योंकि आप को खुद ही इस बात से एहसास होगा कि जिस तेज़ी से हमने उनको पीएल दिया, जिस तरीके से हमने उनको एमएल ग्रांट की और एमएल के लिए रिकमेंड किया, तो इतना फास्ट तो शायद किसी राज्य में होता होगा। इसको उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन उनकी अपनी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ कि कहाँ पे उन्हें पहले इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ अगले साल करना है, कहाँ 4 साल बाद करना है, कहाँ 10 वर्ष करना है, उसमें उन्होंने ये तय किया कि इस प्रोजेक्ट को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, और इसलिए उन्होंने आके हमको धन्यवाद भी दिया कि अभी तक जो सहयोग मिला है ऐसा किसी राज्य में देखने को नहीं मिला, लेकिन हमारी अपनी अंदरूनी समस्याओं के कारण अब हम फर्दर इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं कर पाएंगे। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो चूँकि एक्सप्लोरेशन पूरे एरिया को वो कर चुके हैं, इसलिए हम ऑक्शन करेंगे और बेहतर दर पे उस माइंस को हम ऑक्शन करके और सफल होंगे। आपके पास माइनिंग डिपार्टमेंट भी है और माइनिंग डिपार्टमेंट को लेके कई सारी खबरें आती रहती हैं, कई बार सरकार बैकफुट में चली जाती है इस डिपार्टमेंट के कारण। इल्लीगल माइनिंग एक बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश में। देखिए, इल्लीगल माइनिंग इस प्रदेश में समस्या उस समय थी जब तक सरकार को संरक्षण
इलीगल माइनिंग को हुआ करता था जो हमारी सरकार के पहले था। आप इस आंकड़े से संतुष्ट होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले खनिज राजस्व मात्र 500-600 करोड़ ही होता था। जब अंकुश लगाया गया, सिकंजा कसा गया और टॉप लेवल से ये मैसेज नीचे तक दिया गया कि अवैध उत्खनन और परिवहन किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और जो लोग भी इस पर इंडल्ज होते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, तो आप देखिए कि हमारा रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो गया और आज 3500 करोड़ की का रेवेन्यू खनिज राजस्व से हमको मिल रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमने अवैध उत्खनन और परिवहन में पर्याप्त सिकंजा कसा है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर जिस तरीके से हम आगे बढ़े हैं उसी का परिणाम है कि कभी कभी जो कार्रवाई हमारी ओर से होती है वो अखबारों में आती है और उसके आधार पर हमको मालूम पड़ता है। पहले तो मालूम ही नहीं पड़ता था कि इलीगल माइनिंग कहाँ हो रही है, लेकिन आज यदि कहीं भी कोई भी थोड़ा भी इस कार्रवाई में लिप्त होता है तुरंत पकड़ लिया जाता है। लेकिन छतरपुर में, ग्वालियर, चंबल में और भी मध्य प्रदेश का जो बाकी इलाका है, यहाँ माइनिंग माफिया इतना ज़्यादा, कई मर्डर भी हुए हैं माइनिंग कई मसले को लेकर, यानी हावी तो है माइनिंग माफिया। देखिए, जहाँ तक सैंड माइनिंग की बात आप कर रहे हैं, तो जो हमारी सैंड पॉलिसी है, अभी तक सैंड से रॉयल्टी का जो रेवेन्यू आता था वो 100-125 करोड़ के बीच में आता था। हम लोगों ने ये नीति बनाई है कि देश मध्य प्रदेश में जहाँ कहीं भी सैंड है, बिखरी हुई संपदा है, स्वाभाविक है, इतनी फोर्स लगाई नहीं जा सकती कि हर जगह बिखरी हुई सैंड को यदि कोई भर रहा है तो उसको रोकना संभव हो। इक्का दुक्का जगह जहाँ कहीं भी हमारे लोग पहुँचते हैं वहाँ पर यदि पकड़ में आते हैं तो कार्रवाई भी होती है। लेकिन अभी जो हमने सैंड पॉलिसी बनाई है और जो हमने ऑक्शन किए हैं, आपको जान के खुशी होगी कि लगभग 1500 करोड़ के ऑफ़र आए हैं उसी सैंड के लिए। इसका मतलब कि 150 करोड़ से 1500 करोड़ रुपए सैंड की रॉयल्टी से राजस्व आना, इसका मतलब कि पूरी तरीके से अवैध सैंड के उत्खनन की संभावनाओं को समाप्त करने का की नीति बनाई है और उसमें जिस तरीके से ऑफ़र आए हैं उससे वो नीति सफल होती हुई भी दिख रही है। अभी चूंकि कुछ मामले सिया में पेंडिंग हैं पर्यावरण स्वीकृति के लिए, जैसे वो पर्यावरण की स्वीकृतियाँ प्राप्त होंगी तो शायद ही कोई ऐसा एरिया बचेगा जहाँ कोई ना कोई वैध ठेकेदार होगा, और जब वैध ठेकेदार होगा तो वो भी अपने एरिया की चौकीदारी करेगा, चौकसी करेगा, और सरकार पूरी तरीके से जो हमारा टास्क फोर्स है उसके माध्यम से उसको सपोर्ट करके, और अभी हमने तय किया है कि 100 नाके और सैंक्शन किए हैं कि ऐसी जगह पर जहाँ पर इस प्रकार की गड़बड़ियों की शिकायतें ज़्यादा आती हैं वहाँ पर पूरे अमले के साथ नाके रहेंगे, कोई अवैध परिवहन करता हुआ यदि बाहर निकलता है तो पकड़ लिया जाएगा। ये तो एनजीटी का कारण है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदा सेवा यात्रा निकाल रहे हैं, ये प्रचारित किया जा रहा है कि दुनिया में वो अकेले ऐसे नेता हैं जो इतनी बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं, और उसके बावजूद उनके ब्रदर यदि ओवरलोडेड लोडिंग करते हुए पकड़े जाएं, आपको लगता है कि पूरा इससे थोड़ा उनकी यात्रा पर धक्का लगता है? देखिए, यात्रा जहाँ तक है, यात्रा तो पूरी तरीके से एक ऐसे मिशन को लेके है जो जिसकी चर्चा देश में नहीं अब दुनिया में भी शुरू हो गई है। किसी भी नदी के संरक्षण के लिए इस प्रकार से पहल करना और आगे बढ़ के और इतने बड़े अभियान को हाथ में लेने का साहस करना, इसकी प्रशंसा चारों ओर हो रही है और वास्तव में एक बहुत ही बड़ा कार्य है जिसको आने वाले समय में अंजाम दिया जाएगा, जिसमें कि 1-1 किलोमीटर वृक्षारोपण होना है जी। सीवर लाइन, सीवेज यदि कहीं भी नदी में जुड़ रहा है तो वहाँ पे एसटीपी बना के गंदा पानी किसी भी तरीके से एक बूंद भी नर्मदा नदी में न जाए, इसका काम किया जाएगा। तो ये यात्रा तो पूरी तरीके से नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए है। जहाँ तक अवैध उत्खनन का मामला है तो ये बात सही है कि नर्मदा जी में हमने कई खदानें सैंक्शन की हैं और उसके ऑक्शन किए हैं और उससे हमको बहुत रेवेन्यू भी मिल रहा है। ये बात भी सही है कि यदि रेगुलर बेसिस पे नदी से रेत ना निकाला जाएगा तो फिर नदी अपनी दिशा भी बदल सकती है और उससे कई प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। तो जो साइंटिफिक रिकमेंडेशन है वो तो हर साल उतनी रेत निकालने का है जितनी रेत बह के नदी में आती है। इसके लिए नीरी को हमने अपॉइंट किया है और नीरी के माध्यम से हम सर्वे भी कराना शुरू कर दिया। इस नर्मदा सेवा यात्रा का ही ये परिणाम है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश हुए कि हम ये देखें कि पूरे 1300 किलोमीटर की नर्मदा की जो स्ट्रेच मध्य प्रदेश में है उसमें हर वर्ष कितनी रेत बह के आती है
और जितनी रेत बह के आती है उससे उतनी ही रेत निकालने की परमिशन दी जाए, उससे ज्यादा रेत निकालने की कोई कोशिश करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। चलिए, तो वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे माइनिंग के मसले पर भी और इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो मामले हैं उन पर भी बात करेंगे। आप देखते रहिए आमने सामने। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। एक बार फिर हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खनन और उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल साहब से। शुक्ल साहब, ये अभी ब्रेक पे जाने से पहले आप रेत के माफिया के मसले पे बात कर रहे थे और क्यों आपने जो खदानें लीगलाइज की इस मसले पे बात कर रहे थे, कई जगह ऐसा क्यों है कि आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग ही ज़्यादा माइनिंग के काम में लगे हुए हैं? देखिए, माइनिंग के काम में कौन करेगा कौन नहीं करेगा इसमें किसी पार्टी की बाध्यता नहीं है। वो माइनिंग एक्ट में कहीं ये प्रावधान ही नहीं है कि कांग्रेस का व्यक्ति ही माइनिंग कर सकता है या बीजेपी का कर सकता है या नॉन पॉलिटिकल आदमी कर सकता है। लेकिन सत्तारूढ़ होने का फायदा तो मिलता है। नियम ये ऑक्शन से यदि कोई भी माइन अलॉट होती है तो उसमें सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति कोई फायदा ले जाएगा इसकी संभावना शून्य रहती है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि रुचि रखता है माइनिंग के काम में तो प्रॉपर चैनल से आए, नियम और कायदे के अनुसार यदि वो आवेदन करता है और उसको अलॉटमेंट होता है तो कोई भी नियम उसको रोक नहीं सकता है। अच्छा, एक जो बात आपके डिपार्टमेंट के इतर यदि मैं करूँ, थोड़ा सा आपके डिपार्टमेंट से संबद्ध भी है, कई सारे उद्योगपतियों की कई GIS में पीड़ा भी रही है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है उन्हें। CM साहब को कई बार कहना पड़ा कि सिंगल विंडो, या ये कहना पड़ा कि मैं हूँ आपके सामने। क्यों आती है नौबत, क्यों ब्यूरोक्रेसी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, सरकार के निर्देश पे सीधे काम नहीं करती? देखिए, DIPP और वर्ल्ड बैंक ने जो अभी सर्वे किया है उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में मध्य प्रदेश को 5वां स्थान मिला है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो हमारा पोर्टल है, सॉफ्टवेयर है, उसको हम और एडवांस करें और बेटर करें जिससे हम नंबर एक के स्थान को प्राप्त करें। तो अभी हमारी स्थिति देश में एक अच्छी फैसिलिटेटर राज्य के रूप में देखी जा रही है और इसलिए लोग आकर्षित भी हो रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि ब्यूरोक्रेसी एक तरफा, हो सकता है कि कुछ मामलों में ऐसी भी स्थिति भी हो कि इन्वेस्टर्स की ओर से ही वो न्यूनतम आवश्यक फॉर्मेलिटीज़ पूरी न की गई हों जिसके वजह से उनके काम अटके हों, लेकिन बाय एंड लार्ज यदि आप देखेंगे तो लोग मध्य प्रदेश के सिंगल विंडो सिस्टम से काफ़ी लाभान्वित भी हो रहे हैं और प्रभावित भी हैं। एक आपकी पार्टी की एक और बात है, ये ठीक है कि 13 साल से आप सत्ता में हैं और आपकी खुशकिस्मती है कि विपक्ष खड़ा नहीं हो पाया अभी तक, लेकिन सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं दिखती आपकी पार्टी में। हर मसले में सिर्फ एक नेता, शिवराज सिंह चौहान, क्या वजह? क्षमता आप में भी है, क्षमता और बाकी लोगों में भी है कि सेकंड लाइन तो दिखना चाहिए? देखिए, हम लोगों का सौभाग्य है कि शिवराज सिंह चौहान जी 11 वर्षों से मुख्यमंत्री होने के बाद भी लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं है। और राजनीति में हम लोग इसीलिए काम कर रहे हैं कि हमारे प्रति लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता जाए, और जो लीडर होता है टीम का वो यदि लोकप्रिय होता है तो इसका मतलब ये है कि सही नेतृत्व में काम हो रहा है और लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। तो आप खुद ही कह रहे हैं कि जहाँ तक सेकंड लीडरशिप का सवाल है तो हमारे यहाँ जो भी जहाँ भी है, जो भी जिम्मेदारी उसको दी गई है उसको का निर्वहन कर रहे हैं। आप देखिए, कैबिनेट में 50 एवरेज 50 साल और 55 साल के बीच का यदि आप देखेंगे तो सभी यंग लीडर्स हैं और सब अपने अपने क्षेत्र में कोई 5 बार से विधायक हो रहा है, कोई 7 बार से विधायक हो रहा है, कोई 8 बार से विधायक हो रहा है। यदि इस उम्र में 55 साल की एवरेज एज में लोग इतनी बार जीत के लगातार आ रहे हैं तो इसका मतलब कि हर जिले में, हर संभाग में हमारी मजबूत लीडरशिप है। लेकिन फिर भी छोटे से छोटा चुनाव, पार्षद का भी चुनाव आपकी पार्टी में होगा और मैक्सिमम यूज़ आप शिवराज जी का करते हैं, लोकसभा हो गया, पार्षद हो गया, विधानसभा हो गया, क्यों आपकी पार्टी का कोई नेता नहीं कह देता कि मेरे इलाके में मैं जिता लाऊंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं? पार्षद के लिए मुख्यमंत्री जाते हैं ये सही नहीं है। नगरपालिका चुनाव में जाते हैं, नगर पालिका का चुनाव और पार्षद के चुनाव में अंतर है, लेकिन फिर भी वो अपना एक कार्यकर्ता के नाते धर्म मानते हैं कि यदि छोटा कार्यकर्ता आपको विधायक और सांसद बनाने के लिए दिन रात एक करता है और यदि वो चुनाव के मैदान में है तो सवाल सिर्फ जीत हार के लिए नहीं है, हार के डर के कारण नहीं, बल्कि एक कार्यकर्ता भाव के कारण
कि यदि वो हमारे चुनाव में दिन रात एक करता है तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी उसके चुनाव में यदि उसकी मांग है तो हम जाएं। अच्छा, आपका फिर एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट पे मैं आता हूँ कि अभी जो भी बड़े इन्वेस्टर हैं क्यों आए मध्य प्रदेश में, क्या आप एक लाइन में कहेंगे कि क्यों आना चाहिए उनको यहाँ, क्या अनुकूलन आप दे रहे हैं? देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए एक तो राज्य में पर्याप्त जमीन की आवश्यक उपलब्धता होनी चाहिए। लैंड बैंक बना रहा है, लैंड बैंक हमारे पास 1,20,000 एकड़ का है जो कि शायद ही किसी राज्य में होगा। पावर सरप्लस स्टेट है हमारा, आज हमारी पीक डिमांड 11,000 मेगावाट की है और हमारे पास उपलब्ध है करीब 19,000 मेगावाट। तो लोगों को ये मालूम है कि जो पावर की रिक्वायरमेंट है उसमें आने वाले 25 वर्षों तक, अब यदि मध्य प्रदेश की सरकार एक यूनिट बिजली का अतिरिक्त पीपीए ना भी करे तो भी लगातार हर साल जो हमारा 1,000 मेगावाट ऐड होता जा रहा है, डिमांड कितनी भी बढ़ेगी हमारी उपलब्धता उससे ज़्यादा ही रहेगी। इसलिए पावर सरप्लस स्टेट होने का भी के कारण लोग हमारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। हमारी पॉलिसी जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो भी बहुत आकर्षक है। इंसेंटिव्स वगैरह का जो प्रोविज़न हमने किया है, एग्जम्पशंस और इन सब चीज़ें भी एक सबसे बेहतर राज्यों में सबसे बेहतर पॉलिसी के रूप में मध्य प्रदेश की पॉलिसी को देखा जा रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी कहीं कोई शांति का टापू यदि किसी राज्य को माना जाता है देश के अंदर तो मध्य प्रदेश को शांति का टापू माना जाता है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी यदि आप देखिए, आमतौर पे लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी लगातार तीसरी बार से मुख्यमंत्री हैं और अभी भी दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता है कि आने वाले समय में भी उनको पीछे कर पाएगा। तो इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी लोग इन्वेस्टमेंट के पहले देखते हैं कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि आज ये पॉलिसी है और कल चेंज हो जाए तो फिर हमें क्या बेनिफिट मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तो इस लिहाज से ब्यूरोक्रेसी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारी चीज़ें आज एक तरीके से पैरामीटर्स हो गई हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और GIS 2016 में आपने देखा होगा कि 46 देशों के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और लगातार जो हर 2 साल के बाद इंडस्ट्रियल समिट हो रहा है वो और बेहतर होता चला जा रहा है। तो नेशनल रोड शोज़, इंटरनेशनल रोड शोज़, GIS, ये हमारी ब्रांडिंग के लिए है। इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट का काम भी यदि आप देखें तो लोगों को सब ये ऑनलाइन जानकारी इसकी मिलती रहती है कि यदि डेवलप्ड एरिया भी लैंड भी लेना चाहें, हम अनडेवलप्ड लैंड लेना चाहें तो लैंड की उपलब्धता भी पर्याप्त है। तो ये सारे कारण हैं जो इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। वक्त एक और ब्रेक का है, ब्रेक के बाद बात करेंगे राजेंद्र शुक्ला से उनके अपने इलाके रीवा के बारे में और वहाँ उन्होंने अब तक क्या किया और क्या उनके मन में उस इलाके के लोगों के लिए करने की इच्छाएं। आप देखते रहिए आमने सामने। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। एक बार फिर हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के उद्योग और खनन मंत्री राजेंद्र शुक्ला से, उनसे बात करते हैं। शुक्ला साहब, एक दौर था जब रीवा में एक वाइट टाइगर फेमस थे, बहुत उनका चर्चा था, श्रीनिवास तिवारी। आपने एक वाइट टाइगर को हटाया और अब एक और वाइट टाइगर सफारी ले आए आप अपने। देखिए, रीवा की पहचान वाइट टाइगर जो ओरिजिनल है उससे थी। अभी पिछले दिनों मैं मुख्यमंत्री जी के साथ लंदन गया था और वहाँ पे एक NRI थे, इंडिया के थे लेकिन कई वर्षों से वहाँ पे थे। और जब मैंने परिचय किया कि मैं रीवा से हूँ तो उन्होंने कहा कि लैंड ऑफ वाइट टाइगर्स, इसका मतलब कि रीवा की पहचान ही वाइट टाइगर से थी। और दुर्भाग्य था कि पिछले 46 वर्षों से सारी दुनिया में तो वो था, लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, दिल्ली में है, सभी तमाम चिड़ियाघरों में वाइट टाइगर था लेकिन वो हमारा था और हमारे यहाँ नहीं था। लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी सफ़ेद शेर वापस नहीं आया और आज आप देखिए कि अब पिछले वर्ष 3 अप्रैल को एक विश्व स्तरीय वाइट टाइगर सफारी और ज़ू बना के तमाम औपचारिकताएँ, तमाम हर्डल्स को पार करते हुए मुख्यमंत्री जी के विशेष रुचि के कारण विंध्य की धरती पे वाइट टाइगर वापस आ गया है। और जिस दिन उसका इनॉग्रेशन था लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर इकट्ठे थे और काफ़ी लोगों में संतोष का भाव था। एक समय राजनीति का बहुत बड़ा पावर सेंटर होता था रीवा, जब
अर्जुन सिंह वहाँ थे, श्रीनिवास तिवारी वहाँ थे, अभी उनके बेटे वहाँ। आपका बड़ा काम और कूल अपीयरेंस है, देख बड़े उस तरह का, लेकिन बड़े बड़े नेता कैसे साइडलाइन कर दिए आपने, ये कला कैसे आई? नहीं अब मेरे अभी कोई बड़ा नाम वहाँ आपके अलावा दिखता नहीं। मैंने साइडलाइन किया ये सही नहीं है, लेकिन विंध्य की जनता ने ज़रूर इन लोगों को साइडलाइन किया है, क्योंकि विंध्य और रीवा में पिछड़ेपन का कलंक लग गया था। तो श्रीनिवास तिवारी जी के बेटे अभी विधायक हैं, अर्जुन सिंह के बेटे लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुके हैं, क्या वजह है कि कभी आप पर व्यक्तिगत हमला नहीं करते, वो कभी कोई गंभीर आरोप आप पर कभी नहीं लगाते, जबकि पॉलिटिक्स में आमतौर पर लंबे आरोप लगाने की परंपरा है, दोस्ती है आपकी उनसे जो वो बाहर भी निभाते? नहीं, आरोप उन्होंने काफ़ी लगाया, कोई कसर छोड़ी नहीं, लेकिन उसके बाद जब उनको लगा कि आरोप लगाने के बाद विधानसभा में तो उनका उनके निशाने पर सिर्फ सीएम होते हैं। हाँ, लेकिन पिछले कार्यकाल की ओर यदि आप देखें तो आरोप लगाए गए थे और उसका जिस तरीके से जवाब दिया गया था उससे वो पूरी तरीके से निरुत्तर हो गए थे पूरे सदन के सामने। लेकिन एक बात कही जा रही है कि बहुत मतलब ऐसा बिल्कुल हालात नहीं है मध्य प्रदेश में कि राम राज्य हूँ, मुश्किल ये है कि विपक्ष कमजोर है इसलिए आप पैदल चल के जीत जा रहे हैं, आपका अपोजिशन लंगड़ा रहा है। विपक्ष कमजोर इसलिए है कि हमने सुशासन की स्थापना की है, लगातार विपक्ष कमजोर हो रहा है। आप देखिए, जब 2008 के चुनाव हुए थे तो उनके जो सीटें थी 70 से 75 वो 50 के आसपास हो गई। कहते हैं वो उनकी गुटबाजी के कारण हुई, उसमें आपका क्रेडिट कम और उनकी गुटबाजी ज्यादा। गुटबाजी उनकी पहले भी रही है, उसके बाद भी गुटबाजी के बावजूद उनकी सरकारें बनती रही हैं। आपको ध्यान होगा कि 80 और 85 का जो दशक होता था जिसमें कांग्रेस की सरकारें लगातार बनती थी, उस समय भी उनके गुट संभाग बटे होते थे, नेता बटे होते थे, इतने टिकट इनके कोटे में चले जाते थे, उतने टिकट उनके कोटे में चले जाते थे, तो गुटबाजी पहले भी थी। लेकिन पिछले जो 11 वर्षों का शासन रहा है, 12 वर्षों का, 13 वर्षों का, उसमें जो सिंचाई में चक काम हुआ, कोई कल्पना कर सकता था कि गाँवों में 24 घंटा बिजली देने का देने की घोषणा करने का साहस कोई सरकार करेगी, जिस तरीके की बदहाल स्थिति मध्य प्रदेश में हो गई थी। यहाँ तक कि हमारे पार्टी के विधायक भी कहते थे कि ये काम बड़ा असंभव है, इस तरह से मत बोलिए, लेकिन न सिर्फ बोला गया बल्कि उसको पूरा किया गया और 24 घंटे बिजली, सरप्लस पावर स्टेट एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। लेकिन आरोप भी बहुत लगे आपकी सरकार पे, बहुत बड़े, कई गंभीर आरोप भी लगे। आरोप लगना अलग बात है और आरोप को साबित करना अलग बात है। आरोप तो लगाएगा जो फ्रस्ट्रेटेड होगा, परेशान होगा, सत्ता में लंबे समय तक रहने की जिनकी आदत है, वो सत्ता के नज़दीक भी ना फटक पा रहे हों तो वो आरोप नहीं लगाएंगे तो और क्या करेंगे। तो ये थे रायन शुक्ला, जिनसे हमने बहुत सारे मसलों पर बात की, उनके डिपार्टमेंट के बारे में बात की, उनके जो व्यक्तिगत इलाके की राजनीति है उसके बारे में बात की। हम आज उनका शुक्रिया अदा करेंगे, शुक्रिया शुक्ला साहब, आपने वक्त दिया ईटीवी को। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते किसी और नई शख्सियत के साथ हम मिलेंगे और उनसे भी कैफियत चाहेंगे, उनके कामों का ब्यौरा लेंगे। आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज़।